लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ते हैं, इतिहास उन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने कानून को पढ़ा है, उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको तो सारी इन्फॉर्मेशन है। देश को आगे बढ़ाने में हर फील्ड में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आर्ट में, हर जगह औरतों ने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत छोटी सी चीज है, आपको ये दिक्कत क्या है? आपको चार शादियां करनी है इसलिए आपको दिक्कत है? आपको जाहिल ही रहना है या आपको आगे बढ़ना है? या ये आपका डिसीजन है। पहली बार इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है वो पहली बार नहीं आई है, आर्टिकल 44 को पहले भी डिस्कस किया गया है। मुस्लिम्स को इसमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है। या सोशल लाइफ को ही प्रमोट करने की प्रमोट नहीं करेंगे तो हम देश को आगे कैसे ले जाएंगे? कोई मौलाना साहब जो है वो चार शादियां करना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो सरकार जो करने जा रही है, और उम्मीद है कि जैसे हर बड़ा काम मोदी जी 5 अगस्त को ही करते हैं, जैसे राम मंदिर का निर्माण हो गया, 370 35 है हटाने वाला, तो आने वाले 5 अगस्त तक ये खुशखबरी हमारे देशवासियों को मिल सकती है। बहुत सारे भ्रम और अफवाह फैलाई जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, और खास तौर से मुसलमानों की तरफ से इस पे ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इस्लाम तो बहुत बरसों से खतरे में, तो हिंदुस्तान में काफी अलग अलग राय है इस मुद्दे को लेकर। तो मालूम नहीं इस्लाम कितने बरसों से खतरे में, परमानेंटली खतरे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कश्मीरी लोग किस तरीके से देखते हैं, खास तौर से कश्मीरी लड़कियां, क्योंकि बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम औरतों को सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को होगा तो वो मुस्लिम औरतों को होगा। तो मेरे साथ में कश्मीर से अनिका नजीर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी चैनल पे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। तो स्वागत है आपका अनिका नजीर जी हमारे चैनल पर। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन था जिस पर बात होनी चाहिए थी, और आपने बुलाया मुझे अपनी चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपकी चैनल हम देखते हैं, काफी इन्फॉर्मेटिव चीजें और फनी वे में आप प्रेजेंट करते हैं, काफी अच्छा लगता है। और उम्मीद करेंगे कि आपकी चैनल और ग्रो करें और अलग अलग गेस्ट आपकी चैनल पे आते रहें और अलग अलग मौजू पे जो है हम बात करते रहें। तो आज अनिका नजीर से यही पूछने वाले हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आखिर मुसलमानों को तकलीफ है क्या, और कश्मीरी लोग इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस नजरिए से देख रहे हैं। वैसे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो मुझे समझ नहीं आता सिर्फ मुसलमान का नाम क्यों आता है कि मुसलमानों को क्या दिक्कत होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा, वन लॉ वन कंट्री वन लॉ आएगा, तो वो पारसी के लिए भी आएगा, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट पे भी तब्दीली आएगी, उसपे जितने भी कम्युनिटीज हैं उनमें तब्दीली आएगी। जैसे पारसी कम्युनिटी में ऐसा होता है कि अगर एक लड़की जो है आउट ऑफ रिलीजन शादी करती है तो वो अपने जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो खो देती है। तो जब पारसी को एक्सेप्ट है या हिंदू जो 84% मेजोरिटी में है, तो एक 14% मेजोरिटी वाले लोगों को क्या दिक्कत है? और आप अगर हम पीछे हिस्ट्री की तरफ चले जाएं तो तब भी क्रिमिनल लॉज पे बात होती थी या बाकी कमर्शियल लॉज पे बात होती थी, लेकिन सिविल लॉ तब भी दबाया जाता था, क्योंकि सिविल में हमारी सोशल लाइफ आती है। और अगर हम अपनी सोशल लाइफ पर ही बात नहीं करेंगे या सोशल लाइफ को ही प्रमोट करने की प्रमोट नहीं करेंगे तो हम देश को आगे कैसे ले जाएंगे? अगर मैं कहती हूँ कि जो भी चीजें हैं, अगर आपने बात की मुस्लिम्स की कि मुस्लिम्स को क्या दिक्कतें होंगी, मुस्लिम्स को इसमें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है। क्योंकि अगर हम देखिए ट्रिपल तलाक की बात करें या बाकी चीजों की बात करें, तो एक टाइम पे ऐसा था कि जब हम शुरुआत में पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है वो पहली बार नहीं आई है, आर्टिकल 44 को पहले भी डिस्कस किया गया है, लेकिन उसी सोसाइटल प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट को जो है तब्दीली लानी पड़ी। क्यों? आप देखिए हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारा देश जो है रिलीजन और अलग अलग जो सेक्ट्स की विचारधाराएं हैं, अलग अलग कंजर्वेटिव है या क्या है, उनसे ऊपर उठ चुका है। तो वन लॉ फॉर एवरीवन होना चाहिए। लेकिन इसमें यहाँ पर तो जैसे मुल्ला मौलवी जो जैसे बयानात देख रहे हो आप टीवी के अंदर, उसमें तो ये कह रहे हैं कि इस्लाम पे वार हो रहा है, इस्लाम के अंदर ये जायज़ नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब इस्लाम की जायज़ नहीं है। तो फिर ये बातें कहाँ से आ रही है? वार नहीं हो रहा है इस्लाम पे, वार नहीं हो रहा है, ये उन पे वार हो रहा है, उनके पर्सनल कन्वीनियंस के ऊपर वार हो रहा है। मैं बताऊंगी आपको, उनके दुकानें बंद हो जाएंगी। अब देखिए कोई मौलाना साहब जो है वो चार शादियां करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनकी उस चीज पे भी वार होगा जी, जी, क्योंकि वन लॉ जब सबके पास आएगा तो चार शादियां थोड़ी कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल सही। और अब देखिए ना, आप इस्लाम पे तब वार होता जब कहा जाता कि आपको नमाज ही नहीं पढ़नी है,
जी आपको कुछ भी बेसिक चीजें आपको करनी ही नहीं है, तब वार होता तब सब उठते। आपको जी बताया और जा रहा है, देखिए इस्लाम में लिखा है, इस्लाम कहता है कि आपकी जो, अच्छा अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, इस्लाम कहता है कि मेंटेनेंस जो है आप 3 माह तक दे सकते हैं, और 6 माह तक, समथिंग लाइक दैट। आप जो है, अगर आपका तलाक होता है तो आप अपनी वाइफ का जो मेंटेनेंस है वो इस पीरियड तक दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, शी इज नॉट वर्किंग, उसकी शादी हो गई एंड अब वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको मेंटेनेंस की फरोख देता है। और इस्लाम ने ये कहीं नहीं कहा है कि 5 माह से एक्स्ट्रा नहीं दे सकते या वो गुना देना है, उसने कहा कि इस पीरियड तक दे सकते हैं, उस पीरियड से अगर मिनिमम आप इतना आगे देना भी ही देना देते है हो उससे भी आगे तो गुना नहीं है वो, तो ये और इससे तो परवार हो मुस्लिम गया कि औरतों को उससे फायदा आगे होगा भी ना। नहीं जी देंगे। जी एग्जैक्टली, देखिए पहले की भी जो मैंने बात की, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो सोशल सेटअप में औरत जो है उसका उसका मियार जो है उसको, अब अभी की भी अगर हम कंडीशन अगर हम देखें ना, बहुत सारी औरतों को मतलब यकीन दहानी है उनको कि हमें, हमारी जिंदगी ऐसी ही है, जी हम अगर जी बॉर्न, अगर हम पैदा हुए हैं तो हम इसी चीज के लिए हो कि हमें कम ही मिलना चाहिए, हाँ जबकि वो ऐसा नहीं एक्चुअली है। वो उनको कमतरी माना जाता है ना कि हम मतलब कि बायोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते जी हैं, देखिए हमें फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकती है, आप 4 आदमियों को ज्यादा मार सकते हैं, मैं एक आदमी को मार सकती हूँ या 2 आदमियों के साथ झगड़ा कर सकती हूँ, वो फिजिकल स्ट्रेंथ मुझ में कम हो सकती है, लेकिन आंखें तो वही, आपकी भी 2 हैं, मेरी भी 2 हैं, मुझे भी 4 टाइम का खाना चाहिए तब जाके मैं सर्वाइव कर पाऊंगी, आपको भी 4 टाइम का खाना चाहिए, ठीक है, जी पैसे मेरे पास भी होने चाहिए, आपके पास भी होने चाहिए, फाइनेंशियल डिपेंडेंस मेरा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रॉब्लम क्या है? अब लेकिन अगर इसमें बहुत पारसी सारे कम्युनिटी में प्रॉपर्टी जो है वो, तो बच्चे तो दोनों ही माँ बाप के हैं, जी ठीक है, बच्चे दोनों ही माँ बाप के हैं, अगर पारसी कम्युनिटी से एक लड़की शादी करके दूसरे कम्युनिटी के लड़के से शादी करती है तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स क्यों मतलब छीने जाते हैं, है तो वो भी अपनी माँ बाप की बेटी, तो अच्छा तो मैं ये ये पूछना चाह प्रॉब्लम रहा है। जी था, आपके कश्मीर में, आप तो कश्मीर में रहते हैं, आपके कश्मीर में आसपास में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या चर्चाएं चल रही है, पॉजिटिव की नेगेटिव? देखिए मैं अपनी बात करूंगी, तो अगर जब हम प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो कश्मीर में प्रॉपर्टी राइट्स पहले से थे लड़कियों को, जी ऐसा अच्छा कहते कि पहले तीसरा से थे। हिस्सा जो है वो लड़की का है। आप रिकॉर्ड्स उठाकर देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी विरासत अपनी माओं की विरासत है, लाइक उनको जी अपने पेरेंट्स से मिली है और उन्होंने अपने बच्चों को दी है, बट बहुत हद तक वो अप्लाई नहीं होता है कश्मीर में भी, जैसे रेस्ट ऑफ द इंडिया की तरफ यहाँ भी जी बहुत जगहों पे अप्लाई नहीं होता है, या लड़कियां खुद से कह, हमें तो नहीं चाहिए, जी 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 अगर जी अगर एक लड़के को चाहिए तो आपको क्यों नहीं चाहिए, तो आपको वो है ना कंडीशन किया गया है ना, आपके जी दिमाग बिल्कुल को एक पैटर्न ही जब सोसाइटी का हमने बनाया कि आपको इस तक ही, आपकी सीमा यहीं तक है तो आपको उससे आगे नहीं सोचना है, जी तो उन चीजों को बराबर रखने के लिए, अगर आप, अगर हम कहते हैं कि हम बड़ा इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं, हमारी टॉप 5 इकोनॉमीज है, इन इकोनॉमीज में औरतों ने इतिहास रचाया है, जी अपना ठीक है, कंट्रीब्यूशन दिया है तो शुरू हाँ से। अपना कंट्रीब्यूशन देश की आजादी में औरतों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, देश को आगे बढ़ाने में हर फील्ड में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आर्ट में, हर जगह औरतों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत छोटी सी चीज है, आपको ये दिक्कत क्या है, आपको 4 शादियां करनी है इसलिए आपको दिक्कत है, जी यही आपको दिक्कत मेंटेनेंस नहीं लगती देना है, है उनको मेंटेनेंस नहीं देना है ना, तो वो प्रॉब्लम है, आप हिंदू मैरिज एक्ट में भी तो रियायत होगी, उसमें भी तो तब्दीली होगी, फिर तो सबसे जी पहले हिंदू को आवाज उठानी चाहिए, 84% पॉपुलेशन है, फिर जी पारसीज को भी उठानी चाहिए, नहीं इनको ले मेंटेनेंस नहीं देना है तब जाके इनको आवाज उठानी, क्योंकि मेंटेनेंस देना पड़ेगा ना वहां से, और दो चार बीवियां भी होंगी तो बैलेंस कैसे होगा, कमाएगा जी। और दूसरा कितना क्या है, कितने, जी बांटेगा कितना, हाँ, और दूसरा क्या है, ये और ये पूरा खेल ये जो मुल्ले मौलवी खेल रहे हैं इस्लाम के नाम पे खेल रहे हैं, जबकि इस्लाम का हाँ सिविल कोड से कोई लेना देना ही नहीं कोई है। लेना देना ही नहीं है ना, उसमें लिखा है कि आप इस मतलब उस मतलब एक होता ना कि एक पीरियड ऑफ टाइम, जी इस पीरियड ऑफ टाइम तक आप जो है अपना मेंटेनेंस दे सकते हैं, जी उसके बाद भी दे सकते हैं, उसमें गुनाह नहीं है, ये नहीं लिखा है,
जी। उसके बाद आदमी उसी को चाहे पकड़ के रखा है, उन्होंने उसी को पकड़ के, नहीं नहीं 5 महीने तक ही दे सकते, उससे आगे नहीं दे सकते, उससे आगे दे सकते हो, गुनाह नहीं है जी। ये बात जी। समझनी चाहिए, हर हर एक इंसान को समझनी चाहिए, हर एक धर्म वाले को समझना। ये धर्म पर तो हमला है ही नहीं, क्योंकि आपकी पूजा पद्धति में कोई बदलाव नहीं होने वाला, आपको नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोकने वाला, आपको हज उमरा जाने से कोई नहीं रोकने वाला। कोई नहीं ये रोकने तो वाला एक सिविल सोसाइटी में जो एक रहने का तरीका है हर एक तरीका इंसान के है, वो लिए, सेम हर एक के होना लिए चाहिए, एक एकदम सेम नियम। होना और चाहिए। बार बार अब सबसे अच्छा ज्यादा ना, एक एक सेकंड मैं भी आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अगर कहीं आवाज उठती है ना कि हमको कमतर समझा जाता है, हमको बराबर का हक नहीं दिया जाता, तो अभी बराबर का हक दिया जा रहा है तो बराबर का हक भी नहीं ले रहे। नहीं, आपको मैं बताऊंगी, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी उस टाइम भी शाहबानों का केस था, जी, ठीक है, तो 1986। उस टाइम पे हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि उनको जो है मेंटेनेंस मिलेगा, उसको जी भी उस टाइम पे इतना ये जो इनकी तरफ से प्रेशर आया कि राजीव गांधी जो है उन्होंने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला बदल दिया। जी जी वो पार्लियामेंट के हाँ, अंतर्गत। ये केस आप पढ़िए, उस केस को आप डिटेल केस पढ़िए, जी और ये सिर्फ सिविल कोर्ट की बात मुस्लिम्स की वजह से नहीं उठती है, ये देश की बराबरी, देश में लोगों की जो एकता को हम एक मैयार पे रखते हैं सबको, उस जी बात पर उठी है। क्योंकि 2021 की अगर हम बात करें, एक हिंदू कपल जो है उनका डाइवोर्स होना था, लड़की एक किसी मीना कम्युनिटी से थी, तो उन्होंने कहा कि मीना कम्युनिटी की में ऐसा है कि डाइवोर्स अप्लाई नहीं होता है, तो मैं जी तलाक नहीं दूंगी, तब भी सिविल कोड की बात उठी। तो ये सिर्फ एक इसकी नहीं उठी कि आप अपनी तरफ खींच रहे कि हमारे हम पर ही हमला हो रहा है, ये आप जो है अपना जो पर्सनल कन्वीनियंस है आप छुपा रहे हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ते हैं, इतिहास उन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने कानून को पढ़ा है, उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, उनको तो सारी इंफॉर्मेशन जी है। खास तौर से आप जैसे मुस्लिम फीमेल्स हैं, उनको तो इस चीज के बारे में नॉलेज है, और जो आप कुछ सुनेंगे या देखेंगे, और मैं तो ये कहूंगा एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम औरतों तक पहुंचे जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, समझती नहीं है, तो शायद इस वीडियो के जरिए उनको भी थोड़ी समझ मिले और उनको फायदा हो कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा, नुकसान किसी का नहीं है, अगर फायदा है तो मुस्लिम फायदा वुमेन्स ही का है, ही है, नुकसान किसी का नहीं क्योंकि है। हिंदू में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो सारे जो लागू होने वाले हैं वो हिंदुओं पे तो ऑलरेडी लगभग सब लागू ही है, आज भी लागू ही इसमें है। देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि जो भी पर्सनल लॉज हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन लॉ है, या पारसीज में एक पर्सनल लॉ है, या हाँ मुस्लिम बिल्कुल, सबके पर्सनल लॉ है, सबके अलग अलग लॉ है, वो सब सब एक हो सब जाएंगे। सब पे तब दे, ये किसी एक पर्सनल कम्युनिटी को के लिए नहीं है, ये सब पे जी है। जी जी ये गलत फहमी फैलाई जाती है ना कि इस्लाम पे हमला हो रहा है और नहीं, मुसलमानों को दबाया बिल्कुल जा ऐसा रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें तो सबसे पहले मैं तो कहती हूँ फिर हिंदूज को सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल हिंदू मैरिज बिल्कुल एक्ट में उठानी तब्दीली चाहिए थी, होनी लेकिन हिंदू भी तो अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं ना, चाहे हिंदू हो एग्जैक्टली सिख हो दरअसल पारसी बात हो। ये है, दरअसल बात ये है कि जो मैंने आपको कहा ना कि जमीनी सतह की जो विचारधाराएं हैं या रिलीजन है, अब देश एज अ होल देखता है लोगों को, वो इसको मुझे एज अ मुस्लिम नहीं देखता, आपको एज अ हिंदू नहीं देखता है, तो हमें भी अब जी उस विचारधारा से ऊपर चढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं जी मुसलमान हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है तो वो मेरा बिलीफ है, मैं पढ़ूंगी नमाज, मुझे किसी ने नहीं रोका उसके लिए, ऐसा कोई जी लॉ नहीं बना है कि कानून में लिखा है मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस प्रोफेस कर सकती हूँ, तो मैं करती हूँ अपना रिलीजन प्रैक्टिस प्रोफेस, आप भी करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, मैं जी नमाज पढ़ती हूँ, मैं दरगाह जाती हूँ, जी वो चीजें अलग है, उस उन चीजों के अलावा मेरी लिविंग है, मेरा एक वजूद है एज अ वुमन, तो उस जी चीज में मैं पीछे नहीं रह सकती। तो आपको लगता है कि ये जो सरकार जो करने जा रही है, और उम्मीद है कि जैसे हर बड़ा काम मोदी जी 5 अगस्त को ही करते हैं, जैसे राम मंदिर का निर्माण हो गया, 370 35 है हटाने वाला, तो आने वाले 5 अगस्त तक ये खुशखबरी हमारे देशवासियों को मिल सकती है, क्या लगता है मुझे आपको? लगता है ये उनका सरप्राइज जो है ये 5 अगस्त को ही आता है, अब 5 अगस्त को देखा जाएगा, शायद 5 अगस्त के लिए हम भी वेट कर रहे चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। कम से कम एक ये जो कश्मीरी और आप मुस्लिम भी है, तो मतलब मुस्लिम लोग क्या सोचते हैं, तो इस ये भी हमारे हिंदुस्तान के लोग देखेंगे, समझेंगे, और नहीं। खास तौर से देखिए मुस्लिम। मुझे, आप मुस्लिम, अगर आप पढ़े लिखे मुस्लिम्स को तो पता है ये बात, लेकिन जो जी बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं या अपने कामों में ही मसरूफ है,
उनको ये हो जाता है कि कोई ऐसा इंसान जिसको पता है कि ये तो मेरे लिए, ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, वो चार लोगों को बिठा के ब्रेन वॉश करता है अच्छे से कि नहीं ऐसे है, ये ना हम पर हमला हो रहा है, वो उसको अच्छी बात, सही बात और फैक्चुअल बात नहीं बताएगा, तो और फिर ये खासतौर से बातें यही, जो है ना हाँ आपकी बिल्कुल तरफ से जी, होती है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। खासतौर से आप NRC के टाइम भी देख लो कितना भ्रम फैलाया गया कि मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, ये पढ़ा कर दिया किसी ने नहीं, जाएगा, पढ़ा किसी ने नहीं कि पढ़ा लिखा किसी क्या ने नहीं, है जानता कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट में लिखा क्या है, और वो तो कितनी बार अमेंड हो चुका है, जी वो किसी ने नहीं पढ़ा। ये तो मुसलमानों को निकाल रही है, तो उसको निकाल रहे, तो वही है ना जो आप सर्कुलेट करते हैं आग की तरह, जो खबर फैलती है उसी को सब सुनते हैं। तो बेसिक जी हमें जी अपने आप को बिल्कुल एक्नॉलेज करने की जरूरत है। जब तक हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हम जो है वो कहते हैं ना कि र्यूमर्स जो है वो इडियट्स ही फैलाते हैं, और इडियट्स ही कैरी करते हैं, और इडियट्स ही उन पर बिलीव करते हैं। तो जो इडियट्स जी हैं उन पर बिलीव करेंगे, जो जिसके पास दिमाग होगा, सबके पास दिमाग है, थोड़ा सा परसेंट ही इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करो, पढ़ो। मतलब आज ऐसा जमाना है ना, इतने डिजिटल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, पुराने जमाने में किताबें ढूंढनी पड़ती थी, तब जाके जी कोई जी एजुकेटेड जी हो जाता था, उसको तालीम हासिल होती थी। आज इतना जी इजी एक्सेस है आपके पास नॉलेज के लिए, आपके पास किताबें अवेलेबल है, आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, आपके पास फोन अवेलेबल है, आप कोई बुक, कोई भी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप कोई भी कानून के बारे में जानना चाहते हैं, हर जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप समझना नहीं चाहते यस हैं, आप समझना ही नहीं बिल्कुल सही बोल रहे चाहते हैं आप, हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो प्री, अब ये है ना, हमारे देश में ये प्रॉब्लम ही है कि हमने प्री कंसीव्ड ओपिनियंस रख लिए है कि ये मुझसे नफरत करता है तो यही मुझसे नफरत करता है, मैं आगे इसके बढ़ूंगा ही नहीं। वो प्रॉब्लम जो है वो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो उनको प्रॉब्लम करता है। तो सबसे बिल्कुल बड़ी चीज जो है, जब आप ज्ञान विज्ञान जो है ना, आप उसके लिए जो डोर्स है ओपन ही नहीं करते हैं, तो आप जाहिल ही रह जाते हैं। फिर ये भी आपको आपने डिसाइड करना है, आपको जाहिल ही जी रहना है आपको जाहिल ही रहना है, या आपको आगे बढ़ना है, या ये आपको, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि बिल्कुल अगर आप बिल्कुल आज के आपने जमाने में भी नहीं मतलब पढ़ेंगे, नॉलेज को एक्नॉलेज नहीं करेंगे खुद को, तो फिर आपका जीना क्या, क्या जीना है, हाँ ये बिल्कुल कोई जीना अपना ढोर की तरह जीते ना, मतलब एक जानवर की तरह अपने घसीटते रहते हैं अपने जीवन को उसी एग्जैक्टली तरीके फिर से। आप में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है, अगर आप आज के जमाने में भी जो है नॉलेज को एक्सेस नहीं देते अपने। जी, तो आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और UCC पे जो आपने अपना ओपिनियन दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में खास तौर से मुस्लिमों के दिमाग के थोड़े से स्क्रू ढीले होंगे, थोड़े से खुलेंगे, समझ में आएगी क्या बात है। और अगर आपको लगता है कि आपके समाज की, मुआशरे की अगर महिलाएं डेवलप करें, आगे की तरफ बढ़े, उनको भी बराबर के अधिकार मिले, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अनिका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अनिका जी का भी यूट्यूब चैनल है और ये भी पॉलिटिकल व्यू के ऊपर अपने वीडियो अपलोड करती रहती है, और खास तौर से कश्मीर के दर्शन कराती रहती है, कश्मीर की खूबसूरती अपने ब्लॉग के जरिए भी दिखाती रहती है। इनके यूट्यूब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और इनको सपोर्ट कीजिए। हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानियों को तो सपोर्ट करना बनता है मेरे भाई। ठीक है जी, कवाई आपके लिए ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।